आज अपन टाइफाइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे जो है टाइफाइड, अगर मैं बात करूं, ये बहुत ही बेकार बीमारी है ना। इसमें एक्चुअल में कैसे फैलती है ये, आप गंदा खाना खाते हैं, गंदा पानी पीते हैं, ठीक है, गंदी टिकिया खा ली अपन ने, है ना। तो गंदी टिकिया गंदे पानी में, ठीक है, जो है उसमें क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है गंदे पानी में, ठीक है, जिसका नाम होता है सेल्मोनेला टाइफी। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, गंदे पानी और गंदे खाने में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सेल्मोनेला टाइफी। ठीक है, आ रही बात समझ में। ये देखो, ये बैक्टीरिया है बेटा, सेल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया कहां पर आपको दिखेगा, गंदे पानी में, ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, सेल्मोनेला टाइफी ट्रिक हो जाएगी, ऐसे याद रख लेना भाई, टाइफॉइड टाइफी, टाइफॉइड टाइफी, ऐसे याद रख लेना भाई। ठीक है, टाइफॉइड फैलाने वाला बैक्टीरिया टाइफी, सेल्मोनेला टाइफी कहाँ पाया जाएगा, कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड मतलब गंदे, कंटेमिनेटेड मतलब गंदे खाने और गंदे पानी में आपको ये बैक्टीरिया मिलेगा। गंदा पानी, ठीक है, गंदे पानी और गंदे खाने में आपको क्या मिलेगा, ठीक है, आपको ये बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, फूड एंड वाटर, ठीक है, खाना और पानी में, गंदे में। ठीक है, और देखो फिर ये आप क्या, आपने क्या किया, आपने भाई जो है सुनना, बढ़िया जो है ठेला लगा हुआ था, बढ़िया सुनना, फील लेना, ठेला लगा हुआ था बढ़िया, और बढ़िया मजेदार जो है बारिश का मौसम था, है ना, और जो है समझना इस बात को, वो पानी वाला जो था, ठीक है, जो था, ठीक है, अब उसको क्या, वो बढ़िया बेच रहा है पानी, है ना, अचानक से उसको जो है आई टॉयलेट, है ना, तो वो जो है इधर, जो है इधर उधर कर टॉयलेट वॉयलेट कर आया बिना हाथ धोए हुए कुछ भी है, जो है उसने जो है ना पानी में ना गोलगप्पे के पानी में हाथ डाल के तुम्हें जो है पिला दिया, है ना। अब समझना इस बात को, इधर उधर उल्टी जगह जगह उसने हाथ डाले हुए हैं, ठीक है, वेरी अनहाइजीनिक, है ना, इधर हाथ डाल रहा है, कभी इधर कभी इधर उधर डालता ही है, वो पैसे में हाथ लगा रहा है, पैसे में हाथ लगा रहा है, फिर तुम्हें गोलगप्पे गिला रहा है, लगाता है ना, देखा है ना गोलगप्पे वाला, है ना, पैसे में कभी पैसे गिनेगा, फिर उसी पानी से जो है आलू डाल रहा है, फिर उसी पानी से जो है कुछ और भी जो है काम कर रहा है, मैल है धूल है वही पानी तुम्हारे हाथ में डाल करके दे रहा है, तो वेरी अनहाइजीनिक, है ना। पर वो उसी चक्कर में पानी जो है टिकिया का वो क्या हो गया, गंदा हो गया, है ना, कंटेमिनेटेड हो गया, ठीक है, और वही खाना जो है गंदा वो आप खा रहे हो, आपको तो बड़ा टेस्टी लग रहा है लेकिन आप बैक्टीरिया भी खा रहे हो, बैक्टीरिया भी आपको टेस्टी लग रहे हैं भाई, है ना, बैक्टीरिया भी आपको क्या लग रहे हैं, टेस्टी लग रहे हैं, ठीक है, आप तो मजे से खा रहे हो मस्त, मेरे को क्या, मेरे को तो बढ़िया टेस्ट आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपने खाया अब आप बीमार पड़ गए, तो आप बोलोगे यार मैंने टिकिया खाई, टिकिया जरूर रखी हुई होगी, सड़ी हुई होगी, पुरानी होगी, जबकि पुरानी टिकिया नहीं थी, लेकिन चक्कर क्या था, आपने जो है वो अनहाइजीनिक तरीके से जो है उसने बनाया, ठीक है, तो इसलिए जगह, अगर आपको टिकिया भी खानी है या कुछ भी खाना है आपको बाहर का, तो हाइजीनिक प्लेस देखो, जहां पर प्रॉपर सैनिटाइजर वगैरह इस्तेमाल करता हो, ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल करता हो, अच्छा खाना हो, ठीक है, तभी आप वहां पर खाओ, वरना मत खाओ, बीमार हो जाओगे, आ रही बात समझ में। तो वही, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, और पानी में और गंदे खाने में, और फिर आप खा लेते हो और बीमारी हो जाती है टाइफॉइड, बहुत बेकार बीमारी है। फिर कहाँ जाता है वो बैक्टीरिया जो था आपके गोलगप्पे में है, ठीक है, आपने तो बड़े मजे इंटरेस्टिंग तरीके से उसको खा लिया, कहाँ चला गया वो बैक्टीरिया, पेट में, पेट से कहाँ गया, पेट से आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्टमक से कहाँ गया, स्टमक से आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, फिर उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला जाएगा, ब्लड में, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला जाएगा, ब्लड में, देखना देखना इसका पाथवे, स्मॉल इंटेस्टाइन से चला जाएगा ब्लड में, ठीक है, क्योंकि वहां पर विलाई वगैरह रहती है, ठीक है, विलाई के थ्रू ये कहाँ पर आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पर आ गया, ब्लड में, और ब्लड से बेटा, ब्लड तो बेटा ब्लड में आ गया ना, तो ब्लड तो हर जगह जाता है, हार्ट में, किडनी में, लिवर में, तो सारे ऑर्गन्स में बेटा बंटवारा हो जाएगा, इस बैक्टीरिया हर जगह फैल जाएगा ये बैक्टीरिया, ठीक है, अदर ऑर्गन्स सारे जगहों पर ये जो है ये बैक्टीरिया पहुंच जाएगा, तो इस तरीके से वो आया तो तुम्हारे पेट में था लेकिन पहुंच कहाँ गया, तुम्हारे लिवर में, तुम्हारी किडनी में, हर जगह वो बैक्टीरिया जो है पहुंच सकता है थ्रू ब्लड, ठीक है, आ रही बात समझ में, तो वो आया तो तुम्हारे पेट में, पेट के बाद गया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा पहुंचने के बाद वो जैसे ही ब्लड में आ गया, फिर ब्लड से बेटा वो तो कहीं पे भी जा सकता है बेटा, ब्लड में आ गया यानी ब्लड तो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ठीक है, ब्लड तो भैया बस है, बस हमारा, ठीक है, ब्लड हमारी एक बस है, बस पर आप बैठ गए तो बेटा आप कहीं पे भी जा सकते हो, बस वाले को पैसे दो
यानी ब्लड को, ब्लड बस वाले को पैसे दो, आपको बस कहीं पर भी पहुंचा देगी, आपको कहीं पर भी जहां आपको जाना है बस जो है आपको पहुंचा देगी। आरी बात समझ में? तो बेटा ये बस के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स में, लिवर, किडनी, ठीक है, आया तो पेट में था लेकिन हर जगह जो है पहुंच गया, हर जगह फैल गया बेटा, पूरे हर जगह फैल गया। क्लियर हुआ ये बात? ये बेटा है टाइफॉइड। अब सर हम पहचाने कैसे कि सर टाइफॉइड हुआ हमें? पहले तो आप ये बताओ हमें कैसे पता पड़ेगा कि इस आदमी को टाइफॉइड हुआ है? तो देखो आपको कुछ सिम्टम्स आने लगेंगे, जो जिसने है ना, जिसने वही फालतू की और जो टिकिया खाई थी होगी ना, उसको है ना सिम्टम्स आने लगेंगे अलग ही। क्या आने लगेगा? उसका जो है टिकिया खाने के बाद एक हाथ दो दिन बाद उसको जो है फीवर आने लगेगा। सर फीवर कितना टेम्परेचर? सर कितना टेम्परेचर होना चाहिए लगभग? बेटा लगभग लगभग मान के चलो 98 तो नॉर्मल होता है, लेकिन इसका कितना हो जाएगा? 102 से लेकर 104 डिग्री तक, 102 से लेकर 104 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, ठीक है। और बड़ा जो है उसको वीकनेस है, कह रहा है मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा यार, मुझे बहुत ज्यादा है ना वीकनेस हो रही है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा जो है मुझे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, ग्लूकोज ग्लूकोज दो, ठीक है। और खाया था पेट में बेटा खाना, उसमें टिकिया कहाँ पर खाई थी? पेट में गई थी, तो बेटा पेट में दर्द तो करेगी वो, ठीक है। और खाओ टिकिया है ना, और खाओ गंदगी है ना, मम्मी मना करती है मत खाओ, नहीं खाओ, नहीं मम हम तो यही खाएंगे, देखो हम तो यही खाएंगे, तो पेट में दर्द तो होना है बेटा, सीधी बात है पेट में दर्द, लो बेटा स्टमक पेन भी होगा, फिर क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब बेटा कब्ज, कब्ज, कब्ज नाम सुना है? कब्ज हो गई है यार, कब्ज हो गई है। देखो दो चीजें हैं, देखना सुनना ढंग से, दो चीजें हैं, एक होता है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, ठीक है, एक होता है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, कब्जी हो जाती है ना जैसे, ठीक है, ठीक है, कब्ज हो गई। और दूसरी है बेटा, दूसरी है, दूसरा होता है बेटा डायरिया। देखो दोनों में अंतर होता है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों में अंतर है, दो नाम है आपके, वर्ड दिखा रहा हूं, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है बेटा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। देखो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है भाई, दो नंबर निकल ही नहीं रही है, क्या मतलब? आपका जो एक्सक्रीटा है या आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल ही नहीं रहा, बहुत दर्द कर रहा है, निकल ही नहीं रहा, जम जा रहा है अंदर ही, निकल ही नहीं रहा है, निकलने का नाम भी नहीं ले रहा है, तो उसे कहेंगे कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, निकल नहीं रहा, ठीक है, बहुत बहुत जोर लगा रहे हो, अरे निकल जा, नहीं निकल रहा, ठीक है। और दूसरा इस केस में एक होता है डायरिया, एक होता है डायरिया यानी बहता ही जा रहा है, दर्द 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 दर्द, आप रोक नहीं पा रहे है ना। तो दो अपोजिट केस हैं, एक में निकल नहीं रहा है, पेट पकड़े बैठे हुए हो, और दूसरा जगह क्या है, डायरिया, उसमें वो है ना रुक नहीं रहा है, भैया रुक जा, रुक ही नहीं रहा, वो पूरा का पूरा पानी निकाल के फेंक दे रहा है। तो दो केस है आपको, टाइफॉइड में कौन सा केस होगा ज्यादातर? आपको टाइफॉइड में ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन होगा, निकलेगा नहीं, समझ में आ रही, कब्ज हो जाएगी, आ रही बात समझ में? तो दोनों बात समझ में आ गई, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अब सुनो, और सर और क्या क्या पता पड़ेगा? एक तो सर कॉन्स्टिपेशन जो है वेस्ट तो निकलेगा ही नहीं है ना, वे बहुत ज्यादा दर्द होगा पेट में भी, वो हो गया स्टमक पेन, स्टमक पेन हो गया, पेट में दर्द हो रहा है, और जो है और क्या हो रहा है, कब्ज हो गई है, वेस्ट नहीं निकल रहा, और क्या होगा, हेड में दर्द होगा, आपके सर दर्द होगा बेटा, ठीक है, हेड यानी जानते हो भाई सर, ठीक है, सर, और ये क्या एक यानी दर्द, ठीक है, सर दर्द, ठीक है, तो ये सर दर्द होगा है ना, आ रही बात समझ में, ठीक है, तो ये सर में दर्द होगा। दूसरा लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट, देखो लॉस मतलब क्या होता है, नहीं एपिटाइट मतलब होता है भूख, एपिटाइट मतलब क्या होता है, भूख, देखना भाई सुनना ढंग से, एपिटाइट मत का मतलब क्या होता है, भूख बेटा, भूख है ना। और जो है लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस मतलब क्या होता है, न लगना, ठीक है, भूख न लगना, आ रही बात समझ में? तो इसमें भूख नहीं लगेगी बेटा अपन को, क्या नहीं लगेगी, भूख न लगना, ठीक है, तो भूख नहीं लगेगी अपन को, आ रही बात समझ में? ये इसके सिम्टम्स रहेंगे, ठीक है, ये इसके सिम्टम्स रहेंगे। अब देखो मैं एक बार रिपीट कराता हूं, सर कैसे पता लगाएं, सर कैसे पता लगाएं कि सर जो है हमारे में जो है
ये टाइफाइड हुआ है, तो बेटा एक होता है विडाल टेस्ट। एक कौन सा टेस्ट होता है बेटा? वायरल टेस्ट नहीं कहोगे इसको, क्या कहोगे? विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट की हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि टाइफाइड आपको हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है? पैथोलॉजी लैब में ये होता है टाइफाइड का टेस्ट, जिसे अपन विडाल टेस्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बात को ध्यान में रखना। बहुत बार आ चुका है ये, बहुत बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है और एमसीक्यू में पूछा जा चुका है कि भाई टाइफॉइड का टेस्ट क्या है? विडाल टेस्ट। आपकी बुक में बहुत अच्छे से मार्क है। अब देखो, अब एक स्टोरी सुनते हैं भाई, मजेदार सुनना बेटा। एक जो थी, एक महिला थी जिसका नाम, एक कुक थी कहूंगा, कुक जानते हो ना, ठीक है? मतलब एक होटल में जो है एक कुक का काम करती थी, मैरी मेलन। क्या नाम था भाई? ठीक है, तो अब सुनना। एक जो है एक कुक थी बेटा, मैरी मेलन, ठीक है? क्या थी? एक कुक थी मैरी मेलन, ठीक है? आ रही बात समझ में? तो वो जो थी, इस बात को समझना कि ये एक रेस्टोरेंट में काम करती, एक होटल में काम करती थी। अब इसको क्या था? इसको था बेटा टाइफाइड। इसको क्या था? इसको टाइफाइड था। सुनना, इसको क्या था बेटा? इसको टाइफाइड हो गया था, ठीक है? और टाइफाइड जो था इसको, ये क्या करती थी? टाइफाइड खा लेती, टाइफाइड इसको था, और ये जो है खाने में छींकती थी। क्या करती थी? खाने में छींकती थी, है ना? तो खाने में जो उससे क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक है, टाइफाइड के, वो खाने में आ जाते थे। पर अब समझना, जो है कभी भी छींक गया तो खाने में आ जाएंगे वो बैक्टीरिया, है ना? तो अब क्या हुआ, लेकिन खाना तो गर्म होता है, तो बेटा जनरली बैक्टीरिया मर जाते थे। किस्मत की बात समझना बेटा, रोज जो है बहुत जनों को ये खाना पहुंचाती थी टाइफाइड मैरी मैरी या मैरी मेलन नाम था उसका, एक्चुअल नाम क्या था? मैरी मेलन, ठीक है? एक ही ऐसी कुक थी जो है इसको टाइफाइड था बहुत टाइम से, जांच वाँच करवाई नहीं रही थी, भाड़ में गई, मैं जांच वाँच नहीं करवा रही, ठीक है? इसको सिम्टम्स वगैरह भी ज्यादा नहीं आते थे, ठीक है? टाइफाइड भी थक गया था, इसको सिम्टम्स दे दे करके वो भी ज्यादा जो है इसको सिम्टम्स नहीं आते थे, इसको कोई ज्यादा बुखार वुखार भी नहीं आता था, लेकिन इसको टाइफाइड था, ठीक है? और ये क्या करती थी? छींकती थी, ये खांसी वासी होती थी, छींकती थी, तो सारा का सारा जो है अपना जो बैक्टीरिया है अंदर के, वो बाहर जो है अब उसमें डाल दिया करती थी, दाल में, रोटी में डाल दिया करती थी। लेकिन रोटी गरम, दाल गरम, बैक्टीरिया मर जाते थे। चलो बच गए लोग, बच गए खाने वाले, ठीक है? लोग रोज जो है हजारों लोग खाने आए, है ना, तो बच गए। लेकिन क्या हुआ, समझना इस बात को। लेकिन बेटा एक ये खास जो है आइसक्रीम बनाया करती थी, कौन बेटा? ये मैरी मेलन खास एकदम आइसक्रीम बनाया करती थी। तो आइसक्रीम में भी कभी इसने छींक दिया या कुछ कर दिया, है ना, तो बैक्टीरिया आइसक्रीम में तो मरेगा नहीं, ठीक है? वो उसमें नहीं मरेगा बेटा, है ना? हाई टेम्परेचर पे तो मर जाएगा, लेकिन ठीक है गरम गरम खाने में तो मर जाता था, लेकिन आइसक्रीम में कैसे मरेगा? तो इसने आइसक्रीमें खिलाई, बहुत टेस्टी लगती थी इसकी आइसक्रीम, लोग भर भर के बढ़िया खा रहे हैं, क्या मजा आ रहा है, ठीक है? अब उनको क्या पता कि वो जो है टाइफाइड भी ले रहे हैं अंदर ही अंदर, उनको लगा बढ़िया हम आइसक्रीम खा रहे हैं, मजा कर रहे हैं, है ना? पता तब चलता था उनको टाइफाइड हो जाता था, है ना? तो अब समझ भी नहीं पाए ये लोग, है ना? तो इसने ये देखा, फिर बहुत टाइम तक ऐसा ही रहा बेटा, इसने कईयों को, है ना, अपनी आइसक्रीम खिला खिला करके जो है टाइफाइड फैला दिया लोगों कईयों को। तो अब क्या हुआ कि ऐसा सर्वे वगैरह हुआ, टाइफाइड वाइफाइड का सर्वे हुआ, तो देखा यार इसके आसपास की कम्युनिटी में भाई साहब बहुत ज्यादा जो है टाइफाइड हुआ है। इसके आसपास की कम्युनिटी में देखा, जो है इसके आसपास की लोकेलिटी में देखा, बहुत ज्यादा टाइफाइड है। ऐसा क्यों? बहुत टाइफाइड के पेशेंट है। तो यार लगाया गया ये क्या क्या ऐसा क्या कॉमन है इन लोगों में कि यार जो है ये सब टाइफाइड के केसेस में, ठीक है? तो ऐसा क्या कॉमन है? तो बोला ये सब लोग जो है ये मैरी मेलन वाले होटल में जाते हैं जिसमें मैरी मेलन कुक है। सभी ने ये देखा कि भाई ये वाले होटल में जाते हैं। फिर मैरी मेलन का टेस्ट कराया गया, मैरी मेलन का टेस्ट कराया गया, तो भैया मैरी मेलन पाई गई पॉजिटिव, टाइफाइड पॉजिटिव, टाइफाइड बैक्टीरिया उसके अंदर मिला, है ना? और उसको पकड़ दिया गया, उसको जेल कर, मैं भी वो जो है उसको कहा कि अब से तुम खाना नहीं बनाओगी, ठीक है, तुम्हें जेल कर देंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, तुम खाना नहीं बनाओगी आज के बाद, ठीक है? तो उसने लेकिन उस टाइम तक बहुतों को जो है टाइफाइड फैला दिया था बहुतों को, पर वो तो बेटा मैरी मेलन कहां मानने वाली है। मैरी मेलन ने जो है जेल वेल से निकली और फिर खाना बनाना चालू कर दिया, उसका टाइफाइड तो ठीक नहीं हुआ और वो फैलाने लग गई, ठीक है? एंड में तो बेटा वो उसकी डेथ भी हो गई बेटा, है ना? तो वो नहीं मानी बेटा, वो नहीं मानी, वो उसका उसको बड़ा कुक करने में मजा आता था, वो टाइफाइड फैलाती रही जब तक वो जिंदा रही, टाइफाइड फैलाती रही बेटा वो, है ना? एट दी एंड वो मर गई, ठीक है? लेकिन उसने बहुत लोगों को टाइफाइड फैला दिया उसकी आइसक्रीम जो थी,
बेटा उसके क्या कहने थे, ठीक है? तो भाई खाने में तो अच्छी थी, लेकिन आप जहर खा रहे हैं उसके साथ साथ एक तरीके से, है ना? आप एक बैक्टीरिया खा रहे हैं जिसका नाम है सेल्मोनेला टाइफी, आ रही बात समझ में? तो भाई लोगों ने इस औरत ने इतना लोगों को जो है टाइफाइड फैला दिया कि इसका नाम मैरी मेलन रखने की जगह लोगों ने टाइफाइड मैरी रख दिया। क्या रख दिया? टाइफाइड मैरी। तो मैरी मेलन का नाम क्या था? भैया तूने बहुत टाइफाइड फैलाया है, तो इसका नाम क्या रख दिया? टाइफाइड मैरी नाम रख दिया इसका, ठीक है? इसलिए मैरी मेलन को निकनेम इसका क्या रखा गया है? टाइफाइड मैरी। क्यों? क्योंकि इसने बहुत लोगों को जो है वो टाइफाइड का कैरियर थी, ठीक है? टाइफाइड बैक्टीरिया का कैरियर थी, ठीक है? टाइफाइड फैलाती थी वो, है ना? टाइफाइड कैरियर मतलब समझ गए कि भैया टाइफाइड का बैक्टीरिया उसके पास है, ठीक है? और वो क्या कर रही है? फैला रही है दूसरे को, दूसरों को क्या कर रही है? फैला रही है, ठीक है? टाइफाइड का टाइफाइड कैरियर यानी टाइफाइड का बैक्टीरिया लेकर के घूम रही है, आ रही बात समझ में? जैसे जैसे कोई भी मैं बात करूं भाई, जैसे जो ट्रांसपोर्ट वाला होता है वो माल का कैरियर होता है, ठीक है? माल लेता है, माल कैरी करता है ना, अरे बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे ही टाइफाइड कैरियर कौन था? टाइफाइड बैक्टीरिया का कैरियर थी ये, टाइफाइड बैक्टीरिया लेकर के घूम रही थी अपने अंदर, है ना? और फिर वो फैला रही थी लोगों को, ठीक है? तो क्या कहोगे? टाइफाइड बैक्टीरिया को कौन कैरियर थी? ये मैरी मेलन, ठीक है? और ये क्या करती थी? कुक बाय प्रोफेशन। इसका प्रोफेशन क्या था? कुक करना, ठीक है? और इसने बहुत लोगों को जो है टाइफाइड को फैलाया, और सेवरल इयर्स तक ये फैलाती रही, खाना बनाती रही और इसको फैलाती रही टाइफाइड, आ रही बात समझ में? एक दो बार जेल में भी गई, भूखे भी आ गई वापस, लेकिन उसने कुक करना नहीं छोड़ा, लोगों को मारना नहीं छोड़ा उसने, ठीक है? एट दी एंड उसकी डेथ हो गई है, ठीक है? चलो अब इस बात को समझना। देखो ये तो था टाइफाइड सर, ठीक है? आपकी एक बात हमने मान ली, कि एक बात और सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं। देखो ये इसमें इस बात को समझना कि ये तो सारे नॉर्मल थे, नॉर्मल केस में तो ये सब होता है भैया, भूख नहीं लगना, हेडेक होना, सरदर्द होना, ठीक है? सरदर्द होना और जो है बहुत ज्यादा बुखार आ जाना, वीकनेस लगना। लेकिन मान के चलो टाइफाइड बहुत हाई हो गया, समझ रहे हो इस बात को? टाइफाइड बहुत फैल गया है ना, यानी बहुत जो है उसने, अगर मैं बात करूं, बहुत विपरीत रूप ले लिया उसने, बहुत विकराल रूप ले लिया उसने, टाइफाइड बढ़ गया बहुत ज्यादा। तो अब क्या होगा? देखो भाई अगर टाइफाइड बहुत ज्यादा भर चुका है, ठीक है, तो भाई क्या होगा उसके अंदर? देखो ये है सीवियर कंडीशन, ठीक है? अब मैं सीवियर कंडीशन की बात कर रहा हूँ, टाइफाइड की सीवियर कंडीशन, ठीक है? उसमें क्या होगा बेटा? जो आपका इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन जो है उसमें छेद हो जाएंगे बेटा, उसमें क्या हो जाएंगे? छेद हो जाएंगे। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होगा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, छोटी आंत भी कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाएंगे? छेद हो जाएंगे भाई, छेद, ठीक है? परफोरेशन हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, परफोरेशन मतलब छेद, छेदी सिंह बन जाएगा वो, है ना? छेद हो जाएंगे। और बेटा जब छेद हो जाएंगे समझना, ठीक है, जब इसमें से बहुत ज्यादा छेद हो जाएंगे, तो बेटा जो भी माल खाएगा वो सारा का सारा छेद से बाहर निकल आएगा बॉडी के, है ना? तो इंटेस्टाइन से बाहर निकल आएगा सारा का सारा फूड, है ना? तो भाई कोई यू मतलब ऐसी ये बहुत बुरी कंडीशन होती है अगर पेट में, ये इंटेस्टाइन में या पेट जो है छेद हो जाए, ठीक है? तो बेटा जो भी खाना खाया वो सारा का सारा जो है निकल रहा है उसमें से, है ना? तो भाई ये बहुत बेकार कंडीशन, और फिर बेटा इसके बाद तो कोई इलाज है ही नहीं है, डेथ 100% है इसके, इसका कोई इलाज नहीं है। मैं सीवियर केस की बात कर रहा हूँ, टाइफाइड की सीवियर केस की बात कर रहा हूँ, वो उसकी वजह से इंटेस्टाइन में छेद हो जाते हैं और फिर सीधे क्या होती है? डेथ होती है, उसका कोई इलाज नहीं है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? आ रही बात समझ में? चलो तो भाई सुनो, देखो सुनते जाना। अब देखो सर, सर हमने एक बात तो समझ में आ गई कि भैया ये जो बैक्टीरिया है ये फैलाता है टाइफॉइड, ठीक है सर? ये बात तो समय समझ में आ गई, ठीक है? अब सर एक बात आप बताइए, ये कि ये बैक्टीरिया सर टाइफॉइड फैलाता है, और ये जो है कैसे फैलाता है? ये बैक्टीरिया कहाँ पर मिलता है? गंदे खाने में, ठीक है सर? ये तो बहुत अच्छा खाना लग रहा है सर, टेस्टी टेस्टी। नहीं बेटा मान के चलना है गंदा है ये, ठीक है? ठीक है, तो ये जो है जो अच्छा दिखता है तुम्हें रेस्टोरेंट में, खाना जो अच्छा दिखता है वो जरूरी नहीं अच्छा हो, है ना? तो ये गंदे खाने में और गंदे पानी में ये जो है ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है? फूड और वाटर में आपको मिलेगा, ठीक है? वाटर में और फूड में, वाटर और फूड, ठीक है? आ रही बात समय में? तो वाटर और फूड में आपको ये बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, ठीक है? अब देखो क्या, ये देखो ये आपको ऐसे याद रखना बेटा, कई बार देखो जो होते हैं ना अपन टाइफॉइड के याद नहीं रहते सिम्टम्स, सब याद कर लेते हैं कि जो है बैक्टीरिया ये सेल्मोनेला टाइफी है,
विडाल टेस्ट भी याद कर लेते हैं लेकिन सिम्टम्स भूल जाते हैं, क्योंकि बीमारियों के सब सब में बुखार आता है। अच्छा एक बात कॉमन याद रखना, तुम लोग भूल जाओ कि है ना क्या होता है सिम्टम्स, तो एक कॉमन सिस्टम है बुखार, बुखार तो सब में ठोके आना, ठीक है, बुखार खांसी कॉमन है सब में ठोके आना, किसी का नहीं भी आ रहा हो ना सिम्टम्स याद तो याद कर ठोके आना। लेकिन मुझे पता था तुम लोगों को नहीं आएगा, इसलिए ये बेटा ये मैंने ये पिक्चर चूज करी है ताकि आप जो है टाइफाइड का देख पाओ सिम्टम्स की टाइफाइड में क्या क्या होता है। तो ये इन तीनों लोगों को देखना, ये तीन मूर्ति होती है ना, बुराना देखो बुराना सुनो वाला, तो बेटा ये तीन मूर्ति कुछ और कर रही है, ठीक है, देख रहे हो उसको बेचारे को क्या हालत हो रही है इसकी, है ना, तुम्हें वो देख कर ही इसकी दयनीय स्थिति दिख रही है ना। तो बेटा ये देखो, तो क्या क्या चीजें होंगी, देखो एक तो बेटा फीवर होगा, बुखार होगा बहुत ज्यादा, ठीक है, दूसरा जो है वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है उसको, है ना, वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख ही नहीं लग रही, पेट पकड़ के बैठ जाएगा, भूख ही नहीं लग रही, मम्मी बोलेगी खाना खा ले, क्या नहीं, इस पिक्चर को याद रखना, ठीक है, इस पिक्चर को याद रखना भाई, ठीक है, ये कहेगा मुझे भूख ही नहीं लग रही भाई, मैं क्या करूं मुझे भूख ही नहीं लग रही, है ना, लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब क्या होता है, भूख न लगना, ठीक है, तो भाई भूख ही नहीं लग रही, ठीक है, और फीवर हो रहा है भाई बहुत खतरनाक, वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, वॉमिटिंग हो रही है। सर नौजिया का मतलब क्या होता है, नौजिया का मतलब ये होता है, कभी ऐसा तुमने देखा उल्टी से पहले कुछ ऐसे उल्टी से पहले जो फीलिंग होती है ना, उल्टी वाली फीलिंग, उसको कहते हैं नौजिया, ठीक है, तो अनकंफर्टेबल फीलिंग जो होती है ना उल्टी से पहले, अनकंफर्टेबल फीलिंग उसको अपन कहते हैं नौजिया बेटा, ठीक है, अनकंफर्टेबल जो फीलिंग होती है उसको नौजिया कहते हैं। ऐसा नहीं मम्मी मेरे को थोड़ा उल्टी ऐसा लग रहा है, उल्टी उल्टी सी आ रही है मम्मी, ऐसा लग रहा है मुझे उल्टी उल्टी सी आ रही है, उल्टी यानी तो वॉमिटिंग हो ही गई, उल्टी वाली फीलिंग, ठीक है मम्मी बहुत ज्यादा थोड़ी अलग सी फीलिंग आ रही है, थोड़ा अलग सा फील हो रहा है मुझे, कभी ऐसा कभी देखा है, उसे नौजिया कहते हैं बेटा, अनकंफर्टेबल फीलिंग, मम्मी कुछ ऐसा लग रहा है कुछ ठंडा पी लूं या कुछ जो है बड़ा अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आ रही है अंदर से, पेट में थोड़ा दर्द दर्द सा हो रहा है, तो उसको जो है उस फीलिंग को कैसे आप बोलोगे कि यार नौजिया हो रही है मुझे, क्या हो रही है, ठीक है, नौजिया हो रही है, नौजिया, ठीक है, अरे बात समझ में, नौजिया, नौजी नहीं, नौजिया है, ठीक है, नौजी अलग है चीज होती है वो, ठीक है, नौजिया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पेट में दर्द होंगे भाई, क्रैम्प्स होंगे पेट में, पेट में क्या होंगे, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ठीक है, मतलब पेट में दर्द होगा, आपके एब्डोमिन में दर्द होगा, उसमें मरोड़ होगी एब्डोमिन में, ठीक है, क्या होगी, मरोड़ होगी, क्रैम्प्स होंगे, ठीक है, कब्ज होगी बेटा, एक तरीके से ये क्या है, कब्ज बता रहा है, कब्ज है ना, कब्ज भी हो सकती है, एक तरीके से जो है ये कब्ज बता रहा है, मरोड़ होगी, कब्ज होगी, है ना, पेट में कब्ज होगी, मरोड़ होगी, उसमें कहते हैं ना मरोड़ हो रही है यार पेट एब्डोमेन में, कब्ज होगी और मरोड़ होगी इसमें, ठीक है, कब्ज होगी और मरोड़ होगी, ठीक है, आ रही बात समझ में, एब्डोमेन में, ठीक है, मरोड़ होती है ना, ठीक है, जो है बहुत ज्यादा दर्द होता है जो एक्चुअल में, बस याद रखो एब्डोमिनल पेन लिख देना यार, तुम ज्यादा रट्टे मत का पालना, ठीक है, तुम तो ऐसे याद रख लेना इनको देख करके, भाई इसको बहुत ज्यादा फीवर आ रहा है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो जाएगी इसको, ठीक है, वीकनेस आएगी, भूख लगेगी नहीं, पेट में दर्द होगा, मुझे एक बात बताओ ना यार, पेट में दर्द होगा तो वैसे ही भूख नहीं लगती यार, दिमाग से सोचो, है ना, जब पेट में दर्द होगा तो वैसे ही क्या नहीं लगती, भूख नहीं लगती, तो आप याद रख लेना, आप तुम्हें याद हो गए होंगे, वीकनेस, ठीक है, फीवर, ठीक है, और पेट में दर्द, है ना, और जो है कब्ज हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक है, और वॉमिटिंग, है ना, ये आप याद रख लेना, ठीक है भाई, चलो साथ में होते हैं, ठीक है, देखो बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं, तो देखो ये कैसे दिखते हैं, गोल बैक्टीरिया होते हैं एक्चुअल में, ठीक है, ये कैसे दिखते हैं, ये अब अपन उसकी बात कर रहे हैं, टाइफाइड की तो अपन ने बात कर ली, ठीक है, उसके बैक्टीरिया कैसे थे, ये उसके बैक्टीरिया कैसे थे, रॉड शेप के थे, इस तरीके से, है ना, मतलब इस तरीके के शेप के थे, लेकिन अब अपन निमोनिया की बात कर रहे हैं और निमोनिया के बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब निमोनिया पढ़ रहे हैं अपन, तो निमोनिया का बैक्टीरिया थोड़ा अलग रहता है, निमोनिया का बैक्टीरिया देखो गोल रहता है, निमोनिया का बैक्टीरिया कैसा रहता है, गोल रहता है, और टाइफाइड वाला बैक्टीरिया कैसा रहता था, मैंने दिखा दिया आपको, रॉड शेप जैसा रहता था, आरी बात समझ में, अब निमोनिया पढ़ते हैं अपन, तो निमोनिया का बैक्टीरिया अलग होगा, तो बैक्टीरिया का नाम क्या, निमोनिया वाले, देखो निमोनिया का बैक्टीरिया का जो नाम है उसका नाम है
याद कर लोगे यार, टाइफॉइड का बैक्टीरिया टाइफी, निमोनिया का बैक्टीरिया निमोनिया ही, याद हो गया, निमोनिया का बैक्टीरिया निमोनिया ही, ठीक है, ट्रिक की कोई जरूरत ही नहीं है, निमोनिया का बैक्टीरिया निमोनिया ही और टाइफॉइड का बैक्टीरिया टाइफी, ठीक है। लेकिन ये तो कभी भी एग्जामिनर ये पूछेगा ही नहीं। एक और बैक्टीरिया होता है हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा ये एक और बैक्टीरिया होता है बेटा, ये क्या होता है, एक और बैक्टीरिया होता है ये वाला, ये भी एक बैक्टीरिया है और ये भी एक बैक्टीरिया है, ठीक है, दोनों बैक्टीरिया है, क्या है, दोनों बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों के दोनों क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। और अब आपसे एग्जामिनर हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि निमोनिया जो है किसके द्वारा होता है, ऑप्शन में ये होता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है हाल दिख जाएगा निमोनिया ही निमोनिया। हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा जो होता है ये भी निमोनिया कॉज करता है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है, ये भी निमोनिया कॉज करता है, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, है ना, ये वाला बैक्टीरिया जो है निमोनिया कॉज करता है। अब देखो फैलता कैसे निमोनिया और निमोनिया में होता क्या है, सर हमने बहुत नाम सुना है निमोनिया हो गया, इसको निमोनिया हो गया, हमने बहुत नाम सुना है, लेकिन इसमें होता क्या है एक्चुअल में, तो थोड़ा सा बता दीजिए। देखो निमोनिया जो होती है ना एक्चुअल में सांस की बीमारी है, पहली बात तो ये बात ध्यान रखना, टाइफॉइड पेट वगैरह की बीमारी है, पेट वगैरह खराब है ना, टाइफॉइड पेट वगैरह की बीमारी है, इंटेस्टाइन की बीमारी है कि भैया ये खराब हो गया, गंदा खाना खाया तुमने, लेकिन निमोनिया सांस की बीमारी, मतलब जो है लंग्स की बीमारी है एक्चुअल में, कहूँ तो किसकी बीमारी है, लंग्स की और सांस की बीमारी, ठीक है, आगे बात समझ में, ये पहला अंतर। दूसरा मैं अंतर बता चुका हूँ, बैक्टीरिया कैसा शेप मैंने बता दिया, कैसे पहचानोगे कि भैया ये टाइफॉइड का बैक्टीरिया, वो थोड़ा आपको अलग दिखेगा, है ना, आपको जो है रॉड जैसा दिखेगा वो बैक्टीरिया टाइफॉइड का, ठीक है, टाइफॉइड का बैक्टीरिया रॉड जैसा दिखेगा, जबकि जो ये जो बैक्टीरिया होता है वो गोल दिखेगा, वो क्या दिखेगा, अच्छा बेटा वो तो नाम में ही उसने लिख रखा है, देखो कोकस मतलब होता है स्फेरिकल गोल, उसके नाम में ही लिखा हुआ है, ठीक है, कोकस का कहीं भी वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है, स्फेरिकल, ठीक है। और स्टेप्टो का मतलब क्या होता है, स्टेप्टो का मतलब होता है चेन, स्टेप्टो का मतलब क्या होता है, चेन। तो बेटा ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो गोल होते हैं और क्या बना के रखते हैं, चेन में रहते हैं, कैसे रहते हैं, चेन में रहते हैं ये बैक्टीरिया, एक अकेला नहीं रहेगा, चेन में रहते हैं, आदि बात समझ में, तो ये जो है ये बात, ये थोड़ा आपको मैंने समझा दिया, ठीक है, कि स्टेप्टो मतलब क्या होता है, चेन, ठीक है, स्टेप्टो का मतलब कहीं भी मतलब स्टेप्टो है उसका मतलब होता है चेन, और फोकस का मतलब होता है स्फेरिकल, फोकस का मतलब क्या होता है, स्फेरिकल, ठीक है, तो ये स्फेरिकल शेप के होते हैं और जो है चेन के फॉर्म में रहते हैं, किस फॉर्म में रहते हैं, ये चेन के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, और ये निमोनिया कॉज करते हैं, क्या कॉज करते हैं, निमोनिया कॉज करते हैं, इसलिए इसका जो है नाम अपन ने निमोनिया ही रख दिया, तो ये आपको इसका तो मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। निमोनिया का मतलब क्या हो गया, क्योंकि निमोनिया क्यों रखा है, इसलिए क्योंकि निमोनिया फैलाते हैं, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि ये नाम तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब समझो ये आपको वाला नाम याद रखना पड़ेगा, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा भी जो है ये वाला बैक्टीरिया भी निमोनिया कॉज करता है, ये बात आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब देखो कैसे फैलता है, कैसे फैलता है, अब अपन ये देखते हैं थोड़ा, देखो ये कैसे फैलता है इस बात को समझना, कभी जैसे अगर आप एक तो भैया ड्रॉपलेट से, जैसे एक पर्सन है, सुनना बेटा कैसे फैल रहा है, मजेदार तरीके से फैलने के तरीका देखना इसका, एक ये पर्सन है बढ़िया बात कर रहा है, ये आदमी इससे बात कर रहा है ना, ये आदमी इससे बात कर रहा है जैसे, ठीक है, और इसने बेटा छींक दिया, इसने क्या कर दिया, छींक दिया ऐसे ही, है ना, इसको छींक आ गई और इसके मुंह में चली गई वो छींक, है ना, या नाक में आ गई वो छींक, तो बेटा सीधे जो है उसकी छींक में जो है ये बैक्टीरिया वगैरह होंगे, ठीक है, और सीधा जो है इससे जो है निमोनिया हो जाएगा उसको, इस आदमी को भी क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। सर अभी तो टाइम ऐसा चल रहा है, सर किसी से दूर ही रहो, छींक आ जाए तो मर जाए, कोरोना वायरस हो जाए तो मर जाए, ऐसा लग रहा है सर दूर ही रहो आजकल तो। हाँ बेटा आजकल यही जमाना हो गया है कि भाई अभी दूर ही रहो, सिचुएशन बहुत खराब चल रही है, कोई भी बीमारी फैल रही है ना, तो सब पास आने की वजह से बीमारियां फैल रही है ना, छींक हो गई तो छींक से क्या होता है, छींक कोई ड्रॉपलेट्स, छींक में क्या होती है, छोटी छोटी बूंदे होती है ना ड्रॉपलेट्स, उन ड्रॉपलेट्स में जो है एक्चुअल में वो है ना बैक्टीरिया होता है, ये ड्रॉपलेट है और ये रहा बेटा बैक्टीरिया, ये ड्रॉपलेट है बेटा और ये क्या रहा बेटा बैक्टीरिया है, ये ड्रॉपलेट रही,
ये रही ड्रॉपलेट, ठीक है, और इसमें अंदर क्या रहा, ये रहा बैक्टीरिया बेटा, है ना, अंदर से जो है बैक्टीरिया है, तो एक तो उससे फैलता है हवा में जो ड्रॉपलेट्स है, ठीक है। दूसरा आप जो है बेटा कहते हैं ना कि यार किसी का झूठा खाना मत खाना, ठीक है, झूठा मतलब झूठे बर्तन यूज मत करना किसी के, कहते हैं ना कभी झूठे ग्लास या झूठा पानी मत पीना, तो बेटा ये लोग क्यों कहते थे कि झूठा पानी मत पीना, तो ये ऐसा नहीं होता तुम्हें ऐसा बोलते होंगे यार झूठा पानी पियोगे तो तुम उसके जैसे हो जाओगे, है ना, ऐसा मत करना, कहते हैं तो मैं बड़े बूढ़े कहते होंगे, बड़े लोग कहते होंगे कि तूने झूठा इसका झूठा खाया है क्या आज, तू इस जैसा बोल रहा है, इसके जैसा बोल रहा है बिल्कुल ही, है ना, इसका झूठा खाया है क्या, तूने झूठा पानी पिएगा, एक्चुअल में इसका कोई फैक्ट नहीं है कि अगर आप किसी का झूठा पानी पी लो या झूठा खा लो तो आप उस जैसे हो जाओगे, कभी ऐसा नहीं होता, वो तो तुम्हें है ना करने के लिए भैया, तुम्हें ऐसा तुम्हें डराने के लिए जो है अपन जो है इसका इस्तेमाल किया था, साइकोलॉजी वाला फैक्ट है, अन्यथा इसका कभी कोई है ना वो नहीं है, ठीक है। आप जो है अगर आपसे बोलेंगे अरे इससे बीमारियां फैलती हैं ये मत खाया करो झूठा, तो तुम कौन सा मानने वाले हो, हमने कहा दिया तुमसे, हमने क्या कहा गोलगप्पे से बीमारी फैलती है, तुम अगले दिन गोलगप्पे वाले ठेले पर देखोगे, मुझे पता है मुझे तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, देखा जाएगा जो होगा, बीमारी फैलेगी तो बीमारी फैलेगी। और अगर मैंने साइकोलॉजी फैक्ट डाल दिया कि अगर तुमने गोलगप्पे वाले का पानी पिया तो तुम बिल्कुल क्या बनोगे, अगर तुमने गोलगप्पे वाले का पानी पी लिया तो तुम जो है गोलगप्पे बनाने वाले जैसे हो जाओगे, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे गोलगप्पे वाले, अगर तुमने गोलगप्पे खाए तो तुम जो गोलगप्पे बनाने वाला आदमी है उस जैसे हो जाओगे, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, अगले दिन से कभी जिंदगी में तुम उस आदमी के पास नहीं जाओगे, आ रही है। तो हमने क्या डाल दिया, साइकोलॉजिकल फैक्ट डाल दिया, ठीक है। तो साइकोलॉजी जहां जाती है ना वो आदमी फिर वो काम करने से डरता है, लेकिन एक्चुअल में जो था वो ये रीजन था। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है, ये एक आदमी है बेटा, इसने बेटा ये थाली खाई अपनी, ठीक है, बहुत छोटा आदमी है सर, हाँ बेटा ये छोटू है, ये ना तभी तो ये छोटू है, इसका नाम ही छोटू है बेटा, है ना, तो ये छोटू है, ठीक है। छोटू ने क्या किया, ये थाली खाई इसने, और थाली में जो है इसने क्या कर दिया, छींक दिया बेटा, थाली में क्या कर दिया, छींक दिया। और जो है एक था मोटू, एक क्या था मोटू, ठीक है, ये मोटू है, मोटू को खाने से मतलब है भाई, मोटू को खाने से मतलब है, मोटू ने क्या देखा, खाना जो पड़ा हुआ है इसका खाना खा लेते हैं अपन, ठीक है, इसका खाना खा लेते हैं, पर वो ये भूल ही गया, समझना, ये मोटू तो भूल ही गया कि भैया इसने तो अपनी जो है छींक डाली हुई थी उसमें, उसने बैक्टीरिया डाल दिए थे खाने में, है ना। तो कभी किसी का इसलिए कहते हैं कि किसी का झूठा मत खाओ, उससे क्या होगी, बीमारियां फैलेंगी, है ना। तुमने क्या कर दिया, छींक कर दिया खाने में, ठीक है, या जो है गंदे हाथ डाल दिए या छींक कर दिया, और दूसरे ने वही जो है खाना खा लिया, है ना, तो छींक वाला खाना, है ना, तो तुम खाना तो खा रहे हो, मोटू ने खाना तो खा लिया, लेकिन साथ साथ बेटा बैक्टीरिया भी खा लिए, ठीक है, कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो उसको बेटा बीमारी, इसको तो थी, इसको भी हो जाएगी भाई, है ना, इसको भी हो जाएगी। आई बात समझ में कि जो है कैसे जो है ग्लास और यूटेंसिल्स कैसे शेयर क्यों नहीं करना चाहिए। ड्रॉपलेट्स वाला समझ में आ गए, दो तरीके, एक तो ड्रॉपलेट्स वाला, ये था ड्रॉपलेट्स वाला तरीका बेटा, ये क्या था, ड्रॉपलेट से कैसा फैलता है, ठीक है, छींक मारोगे तो छींक में बैक्टीरिया है और वो कौन ले लेता है, ठीक है, ये जो है वो बैक्टीरिया, ये जो है किसमें चले जाएंगे, इन्फेक्टेड इस आदमी में चले जाएंगे, तो ड्रॉपलेट छींक मारने से भी जो है फैलता है, ठीक है। दूसरा जो है गंदे यूटेंसिल्स या जो है यूटेंसिल्स, जानते हो ना यूटेंसिल मतलब क्या होता है, बर्तन, है ना, और ग्लास पानी पीने के लिए, तो झूठा पानी भी नहीं पीना चाहिए, है ना, तो तुमने मान के चलो झूठे तुम्हारे जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, गंदे मुंह के या जो है निमोनिया वाले जो बैक्टीरिया, वो तुमने झूठा कर दिया ग्लास, तो उस पर लग गए ग्लास पर, और वही ग्लास तुम दूसरे ने पी लिया उसी ग्लास से पानी झूठा करके उसी जगह से, तो हो सकता है वो बैक्टीरिया जो है अंदर मुंह में चले जाए, हरी बस में, तो एक ग्लास से क्या पीते हैं भाई, जानते होगे ग्लास से पानी पीते हैं, तो गंदे झूठे ग्लास भी नहीं पीना, है ना, और यूटेंसिल यानी जानते हो ना बर्तन, है ना, तो बर्तन भी गंदे झूठे नहीं खाने बेटा, बर्तन झूठे ठीक है। आरी बात समय में, देखो अब सर ऐसा निमोनिया में क्या होता है, सर हमें ये बात तो पता पड़ गई, अब ये बताओ निमोनिया में ऐसा होता क्या है, ठीक है। देखो
स्प्रेड का मतलब होता है फैलता कैसे, स्प्रेड का मतलब होता है फैलता कैसे, फैलता कैसे, उसका मतलब होता है स्प्रेड। ठीक है, पैथोजन मतलब कौन होता है, कौन बीमारी फैला रहा है, पैथोजन मतलब कौन है, कौन बीमारी फैला रहा है उसको कहते हैं पैथोजन, कौन बीमारी फैला रहा है, कौन बीमारी फैला रहा है। ठीक है भाई, हिंदी में लिख दें, कौन बीमारी फैला रहा है। कौन बीमारी फैला रहा है वो हो गया पैथोजन। तो भैया आप क्या बोलोगे, कौन बीमारी फैला रहा है भाई, कौन बीमारी फैला रहा है, पैथो मतलब डिसीज, जन मतलब जनरेटिंग, मैंने बताया था ना, तो डिसीज फैलाने वाला। ठीक है, पैथो का मतलब क्या होता है, डिसीज, मैंने बताया आपको, पैथो मतलब डिसीज, जन यानी फैलाने वाला, है ना, तो बीमारी फैलाने वाला कौन होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, पैथो मतलब डिसीज और जन मतलब, जन मतलब फैलाने वाला, ठीक है, या जनरेटिंग, जनरेटिंग कहो, ठीक है, या फिर कहो फैलाने वाला, या फिर क्या कहोगे, फैलाने वाला। ये बेसिक्स है भाई, ये तुम्हें पता होनी चाहिए, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, फैलाने वाला। ठीक है, और दूसरा देखो, साइट ऑफ इन्फेक्शन, साइट ऑफ इन्फेक्शन मतलब कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा, मतलब कौन सा पार्ट, पार्ट कौन सा अफेक्ट होगा भाई, कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, मैंने आपको बताया था लंग्स, याद आ रहा है, लंग्स, है ना, तो लंग्स में भी जो है कौन सा पार्ट, पार्ट कौन सा अफेक्ट होगा भाई, बीमारी फैली है तो कोई ना कोई चीज को अफेक्ट करेगी, या वो दिल को अफेक्ट करेगी, या तो आपके पेट को अफेक्ट करेगी, ये किसको अफेक्ट करता है, ये किसको अफेक्ट, ये बीमारी किसको अफेक्ट करती है, एल्वोलाय को, किसको अफेक्ट करती है ये बीमारी, एल्वोलाय को बेटा, किसको बीमारी अफेक्ट करती है, ये एल्वोलाय को। अब एल्वोलाय क्या होता है भाई, सर ये तो बता दो, बताते हैं, ठीक है, उसको अफेक्ट करती है, बता रहे हैं। और सिम्टम्स यानी, सिम्टम्स यानी होता है बेटा कैसा पहचाने, कैसे पहचाने बीमारी को, कि भाई ये वही बीमारी है, ये निमोनिया ही है, कैसे पहचाने, तो भाई सिम्टम्स यानी होता है, सिम्टम्स यानी कैसे पहचानोगे भाई, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, कैसे पहचानोगे, जैसे कोरोना वायरस को कैसे पहचानोगे, कोरोना डिसीज हो गई कैसे पहचानोगे, अब तुम्हें पता ही होगा, अगर कोरोना डिसीज हो गई है तो भाई गले में खराश होने लगेगी, बुखार आने लगेगा, है ना, तो जो है उससे आप दर्द होने लगेगा, है ना, तो आप उससे पहचाने लग जाओगे कि भाई ये कोरोना हो रहा है ना, तो भाई या फिर टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा कोरोना में, है ना, तो ये क्या थे पहचानने के तरीके, वो ये क्या थे सिम्टम्स थे पहचानने के तरीके। ऐसे ही निमोनिया कैसे पहचानोगे बताऊंगा भाई, कैसे पहचानोगे, फीवर की, फीवर हो रहा होगा, फीवर तो कहीं भी ठोक देना, कुछ भी याद नहीं आ रहा हो ना सिम्टम्स, तो फीवर तो पहले ठोक देना फीवर, ठीक है, और ये खांसी, ये जो है लंग्स से रिलेटेड है तो भाई खांसी भी ठोक देना, ठीक है, लंग्स से रिलेटेड है तो खांसी में ठोक देना, ठीक है, सर दर्द भी ठोक सकते हो, दो तो कॉमन है बेटा, दो तीन तो कॉमन है, फीवर और हेडेक, ठीक है, और कफ भी जो है कॉमन है, ठीक है, ये मेन बीमारी जो होती है ना, सिम्टम्स समय आ गया ना, क्या होता है, कैसे पहचाने, कैसे पहचानो कि भैया ये कैसे पहचाने कि भैया ये निमोनिया ही हुआ है, कैसे पहचाने, तो भाई ये पहचानने का तरीका है, उसको फीवर आएगा, चिल्स मतलब कड़ाकेदार ठंड, चिल्स हो रही है ना, नहीं नेटफ्लिक्स विद चिल्स, ये वो वाला चिल्स नहीं है, ठीक है, ये चिल्स मतलब भाई कड़ाकेदार नहीं होती भाई, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, ठंड कड़ाकेदार ठंड, मुझे कड़ाकेदार ठंड लग रही है, तो वो होता है चिल्स हो जाना, उसको चिल्स हो रहे हैं भाई, कपकपाना, ऐसे फीवर अलग होता है गर्म लगना, फीवर होता है गर्म लगना, ठीक है, मतलब बुखार आना, और एक होता है कपकपाना, तो वो होता है चिल्स, वो क्या होता है चिल्स, आरिवा समय में, नेटफ्लिक्स पर चिल्स वो अलग चीज चिल्स है ना, आरिवा समय में, चलो हमें किसी को कोई प्रमोशन नहीं करना, ठीक है, चलो, और क्या खांसी होगी, सर दर्द होगा, तो भाई फीवर और हेडेक तो सब जगह ठोक देना भाई, ये बात ध्यान रखना, भूलना नहीं, निमोनिया हो, टाइफाइड हो, कोई और बीमारी हो, सब जगह फीवर और हेडेक तो ठोक ही देना, ठीक है, लेकिन जो है एक चीज और ठोक देना, एक चीज और क्या ठोकोगे, जो मेन चीज जो है, मेन कैसे, मेन जो है पहचाने, कैसे बेटा, मेन कैसे पहचानोगे,
कि भैया उसको निमोनिया हो चुका है, उसके जो है लिप्स हैं वो नीले पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? लिप्स और नेल्स जो है वो नीले पड़ जाएंगे, नीले, ठीक है। नेल्स जो होते हैं वो भी नीले पड़ जाएंगे, और लिप्स जो होठ, बेटा होठ, लिप्स, वो भी कैसे पड़ जाएंगे? होठ पिंक है ना भाई, अब पिंक की जगह नीले हो जाएंगे। तो समझ जाना भाई ये निमोनिया के सिम्टम्स हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है निमोनिया ही हो, लेकिन जो है निमोनिया के सिम्टम्स हैं, आप ये समझ जाओगे कि यार होठ जो है नीले पड़ रहा है, यानी निमोनिया हो रहा है उसको, ठीक है। क्लियर हुआ? तो लिप्स और नेल्स कैसे हो जाएंगे? नीले नीले। आज ब्लू है पानी पानी, और आज देखो क्या हो गया, ब्लू है होठ होठ, है ना, तो ब्लू कर दिए और होठ भी अपन ने, तो ये ब्लू क्या हो जाएंगे? ये नेल्स और लिप्स कैसे हो जाएंगे? ब्लू। आ रही बात समझ में? क्या हो जाएंगे भाई? ब्लू हो जाएंगे, ठीक है। ब्लू या फिर जो है कहो ब्लू या फिर ब्लूइश ग्रे, है ना, पूरी तरीके से पूरे ब्लू नहीं हो जाए, है ना, थोड़े जो है ब्लूइश हो जाए, ठीक है, ब्लूइश ग्रे वो हो जाए, ठीक है, ग्रेइश ब्लूइश थोड़े, है ना, थोड़ा ग्रे हो जाए, मतलब पिंक नहीं रहेंगे, बस सीधी बात याद रखना, ठीक है, पिंक नहीं रहेंगे, ये बात ध्यान में रखना। और पीले भी नहीं पड़ेंगे, पीले तो होगा तो फिर बेटा जॉइंटिस वगैरह हो सकता है ना, अगर पीले पड़ जाए तो जॉइंटिस वगैरह हो सकता है, लेकिन अगर ब्लू पड़ जाए तो निमोनिया है, समझना, अंदर समझा रहा हूँ, जॉइंटिस अलग बीमारी है ना, उसमें पीले पड़ सकते हैं, सब पीला पीला हो जाता है ना, सब कुछ पीला हो जाता है, वो जॉइंटिस है, और ये क्या है, ब्लू पड़ रहे हैं, ये निमोनिया है, अंतर है, समझना भाई, समझ में आ रही है, दोनों में अंतर है। एक पैथोजन पढ़ लिया, ये टॉप बता दिए पैथोजन, ठीक है, स्प्रेड बता दिया, फैलता कैसे है, ठीक है, ये बता दिया कि भाई कौन बीमारी फैलाता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, फैलता किससे है, ड्रॉपलेट से या एरोसोल, मतलब ये ड्रॉपलेट से और गंदे जूठे बर्तन खाने से, जूठे बर्तन में खाने से ये फैलता है। सिम्टम्स बता रहा, सिम्टम्स बता दिए, ठीक है, और फिर साइट ऑफ इन्फेक्शन अभी बताऊंगा बेटा, ये चीज रह गई है, ठीक है, चलो अब ये बताता हूँ। पहले तो ये वाली देखो कि लिप्स और नेल्स ब्लू कैसे हो जाएंगे, इस बात को अपन समझते हैं भाई, देखो देखो दोनों एक साथ समझ जाएंगे, देखो एक बात में क्लियर हो जाएगा। देखो क्या होता है एक्चुअल में, कि ये एल्वोलाय को अफेक्ट करती है, किसको अफेक्ट करती है, एल्वोलाय को अफेक्ट करती है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या होते हैं एल्वोलाय, सुनना, देखो भाई ये देखो, इधर देखो, सबसे पहले बेटा ये है हमारे लंग्स, बेटा फेफड़े, फेफड़े, लंग्स नहीं, देसी लोग हैं अपन, फेफड़े, है ना, तो ये फेफड़े हैं भाई अपने, क्या है, फेफड़े, और इस फेफड़े के अंदर, सुनना ढंग से, इस फेफड़े के अंदर, इन फेफड़ों के अंदर हमारे बहुत सारे गुब्बारे डले हुए हैं, ठीक है, इन फेफड़ों के अंदर क्या है, इन फेफड़ों के अंदर गुब्बारे हैं, गुब्बारे, ठीक है, इन गुब्बारों को जो है अपन क्या कहते हैं, इन गुब्बारों को कहते हैं एल्वोलाई, इन गुब्बारों को क्या कहते हैं अपन, एल्वोलाई कहते हैं, क्या कहते हैं अपन, एल्वोलाई कहते हैं। जनरली ये गुब्बारे जो होते हैं बड़े होते हैं, फूले हुए रहते हैं, इनमें हवा भरी रहती है, इनमें क्या भरी रहती है, जो भी हम हवा लेते हैं, जो भी अपन ने एयर ली अंदर, जो भी अपन ने एयर ली अंदर, वो एयर कहाँ चली जाती है, जो भी अपन एयर लेते हैं वो गुब्बारों में भर जाती है। आर्यासन में जैसे जो भी मैं एयर लूंगा, ठीक है, जो भी मैंने जैसे एयर ली, तो किस में आ जाएगी भाई, एयर गुब्बारों के अंदर, लंग, ये यहां से होती हुई सीधे गुब्बारों में भर जाएगी। गुब्बारों को क्या कहते हैं, एल्वोलाय, एल्वोलाय यानी गुब्बारे, ठीक है, गुब्बारे, हमारे बॉडी के, हमारे लंग्स के अंदर बहुत सारे ऐसे गुब्बारे हैं, बहुत सारे एल्वोलाई है, ठीक है। तो जनरली इनमें क्या भरा रहता है सर, बेटा इनके अंदर जो है हवा भरी रहती है, हवा आती है इनके अंदर, खुले हुए रहते हैं, और इनके अंदर एयर भरी रहती है, नॉर्मल, नॉर्मल में क्या होगी भैया, नॉर्मल में क्या होगी, इन गुब्बारों के अंदर जो है एयर होगी बेटा, इन नॉर्मल कंडीशन में इन गुब्बारों में एयर रहती है, एयर भरी रहती है, क्या भरी रहती है, एयर, ठीक है, एयर भरी रहती है। लेकिन बेटा कभी कभार क्या होता है, इन गुब्बारों के अंदर पानी भर जाता है बेटा, इन गुब्बारों के अंदर क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। आ रही बात समझ में, इन गुब्बारों में क्या भर देता है, पानी भर जाता है। कौन, पानी कैसे आता है, क्यों आता है बेटा, ये जो है यहाँ पर बैक्टीरिया आ जाता है, सुनना ढंग से, इन गुब्बारों में कौन सा आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है। तो बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पर क्या आ गया बेटा, ये रहा बैक्टीरिया, मान के चलो इन गुब्बारों पर ये क्या आ गया, कौन सा बैक्टीरिया सर, बेटा यही वाला बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया था भाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया आ गया, कहां पर आ गया, गुब्बारों के अंदर, किसमें आ गया भाई, गुब्बारों के अंदर। अब क्या होगा, इससे क्या होगा, गुब्बारों के अंदर आ गए बैक्टीरिया, अब इससे क्या हुआ कि भाई इसको है ना हटाना है
है ना, इस बैक्टीरिया को हटाना है। तो भाई इन गुब्बारों ने क्या किया यार, इस बैक्टीरिया को हटाओ यार, कुछ भी करो यार, इसको निकालो। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसे पानी रिलीज करना चालू कर दिया गुब्बारे के अंदर। क्या रिलीज कर दिया, पानी रिलीज करना चालू कर दिया। क्या रिलीज करना चालू कर दिया, पानी रिलीज करना चालू कर दिया। ठीक है, ये जो है ना, ये जो गुब्बारा था, ये जो बैक्टीरिया था, वो है ना एलुलाया जो है गुब्बारे को देखो बहुत रब कर रहा है, वो है ना बहुत परेशान कर रहा है गुब्बारों को, बहुत इचिंग कर रहा है, दर्द कर रहा है। ठीक है, ये बैक्टीरिया, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये जो बैक्टीरिया है ना, वो यहाँ पर दर्द फैला रहा है बहुत ज्यादा, है ना, और जो है गुब्बारों को रगड़ रहा है, बहुत ज्यादा दर्द फैला रहा है, मतलब समझ में आ रही है, इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है, बहुत ज्यादा दर्द फैला रहा है। तो फिर इस चक्कर में गुब्बारे क्या रिलीज कर देंगे, पानी रिलीज कर देंगे, है ना। तो पानी तो रिलीज कर दिया गुब्बारों ने, ठीक है, ताकि है ना ये जो है भाई थोड़ा बहुत हमें जो है आराम पहुंचे, है ना, पानी रिलीज कर देंगे, ठीक है, एक तरीके से लिक्विड रिलीज कर देंगे। तो अब क्या हुआ इसके चक्कर में, जो है समझना इस बात को, यहां पर भर गया बेटा पानी, इन गुब्बारों में भर गया पानी, इन गुब्बारों में देखो क्या भर गया, पानी भर गया। देखो पहले हवा कितनी भरी जा सकती थी इन गुब्बारों में, देखो ये गुब्बारों में हवा पहले कितनी भरी जा सकती थी, इतनी भरी जा सकती थी हवा, इतनी हवा भर जाती थी इसमें पहले। ये हवा है बेटा, क्या ये हवा है, एयर है, पहले इतनी हवा इसमें भर जाया करती थी, इसमें इतनी हवा भर जाया करती थी। अब हवा कितनी भर रही है, अब हवा कितनी भर रही है भाई, देखो सिर्फ इतनी भर पा रही है हवा, अब सिर्फ और सिर्फ इतनी भर पा रही है एयर, है ना। तो बेटा सिर्फ इतनी हवा भर पाएगी, समझना इस बात को, बहुत कम हवा है तो बेटा सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, ये निमोनिया हो गया इसको, इसके जो गुब्बारों में पानी भर गया है, एक्चुअल में क्या भर गया है, इसके गुब्बारों में पानी भर गया है, फ्लूड भर गया है। निमोनिया में क्या हो जाता है, फ्लूड भर जाता है गुब्बारों में, ठीक है, क्या भर जाता है भाई, फ्लूड भर जाता है कहाँ पर, गुब्बारों में, यानी एलुलाई में, ठीक है, फ्लूड इन एलुलाई, आ रही बात समझ में, ये निमोनिया में ही होता है ऐसा, ठीक है। निमोनिया में क्या होता है, गुब्बारों में पानी भर जाता है बेटा, ठीक है, पानी तो भर गया लेकिन बेटा हवा तो कम भर पाएगी ना, हवा के लिए स्पेस कहाँ है। जैसे आप एक गुब्बारा लो, ठीक है, आपने गुब्बारा लिया, आप पहले इस गुब्बारे में क्या भरते थे, जैसे आपने एक गुब्बारा लिया, आप इस गुब्बारे में क्या भरते थे, पहले आप हवा भरते थे, तो हवा तो देखो इतनी सारी भर गई इस गुब्बारे में, और आपने क्या किया, इस गुब्बारे के अंदर थोड़ा आधा पानी भर दिया आपने, है ना, आधे गुब्बारे के अंदर आपने जो है पानी भर दिया, ठीक है, यहां तक आपने पानी भर दिया, समझना इस बात को, ये पानी भर दिया। तो अब आपके पास हवा कितनी भर पाओगे, सिर्फ जरा सी तो भर पाओगे, सिर्फ इतनी, तो इतनी सी जगह पर ही तो हवा भर पाओगे आप, बाकी की तो आप कहाँ, हवा ही नहीं आएगी फिर तो, आ रही समझ में। तो इसी चक्कर में क्या हुआ बेटा, हवा, सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाएगी निमोनिया में, किसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, हवा की कमी है, हवा ही नहीं जा रही है अंदर गुब्बारों में, हवा ही नहीं पहुंच रही, ठीक है, पानी भरा पड़ा है गुब्बारों में, हवा ही नहीं है, है ना। तो क्या होगा, सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, इसकी वजह से क्या होगी, सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। ये सांस भी कभी बहुती वाली प्रॉब्लम नहीं है, सांस बहु प्रॉब्लम ये बेटा, ये सांस यानी ये समझ गए ना, ये वाली सांस है बेटा, ये सांस में तेरे सांस मिली तो मुझे सांस आई, समझ गए ना, ये वाली सांस है ये, ठीक है, आ रही बात समय में, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई अब बात सुनो, तो ये प्रॉब्लम जो है हो जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसा होता है, देखना ये जो गुब्बारे कहां पर मिलेंगे, लंग्स के अंदर ये गुब्बारे मिलेंगे, एलुलाई मिलेंगे, और नॉर्मल कंडीशन इन गुब्बारों में क्या भरा रहता है, हवा भरा रहती है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन बेटा जब बैक्टीरिया आएगा ना यहाँ पर, तो हवा की जगह पानी रिलीज हो जाता है यहाँ पर, जब बैक्टीरिया यहाँ पर आता है इन गुब्बारों को इफेक्ट करता है, तो बेटा इन गुब्बारों में हवा फ्लूइड भर जाता है, लिक्विड भर जाता है, क्या भर जाता है, लिक्विड भर जाता है एयर की जगह, क्या भर जाता है, ठीक है, लिक्विड भर जाएगा तो उससे क्या होगा, लिक्विड भर जाएगा तो एयर नहीं आ पाएगी पूरी, ठीक है, क्या नहीं आ पाएगी भाई, एयर नहीं आ पाएगी, क्या नहीं आ पाएगी, एयर नहीं आ पाएगी। और बेटा समझना, ठीक है, जब एयर नहीं आ पाएगी, ठीक है, तो क्या आएगी, दो चीजें होंगी बेटा इससे, ठीक है, एक तो सांस में प्रॉब्लम हो जाएगी, किसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, सांस में प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में भाई हवा ही नहीं आ रही, अंदर ही नहीं घुस रही, एलुलाई में ही नहीं हवा आ रही, है ना, सांस में प्रॉब्लम हो जाएगी, एक तो बात ये हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी बात क्या हो जाएगी, दूसरी बात यह कि ब्लू लिप्स हो जाएंगे भाई, कैसे लिप्स हो जाएंगे,
ब्लू लिप्स हो जाएंगे। सर ब्लू लिप्स क्यों हो जाएंगे? बेटा एक बात बताओ, अगर सांस नहीं आएगी, अगर ऑक्सीजन नहीं आएगी, तो बेटा क्या ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचेगी? सुनना ढंग से क्या बोल रहा हूं मैं, अगर सांस, अगर आप ये ऑक्सीजन नहीं लोगे तो ब्लड में आपको ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं? देखो यहाँ पर इन गुब्बारों के नीचे ब्लड रहता है, इन गुब्बारों के नीचे ब्लड बहता है, इस तरीके से इन गुब्बारों के नीचे जो है ना ऐसे ब्लड बहता है, ब्लड, ठीक है, ऐसे ब्लड बहता है, ब्लड है ना, आ रही बात समझ में? इन गुब्बारों के नीचे इस तरीके से ऐसे ब्लड बहता है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात, सीधी बात, ये बात जानना, बताना कि मुझे एक बात बताओ, क्या अगर गुब्बारों में ऑक्सीजन नहीं है, अगर गुब्बारों में ऑक्सीजन नहीं है तो क्या वो ऑक्सीजन, क्या वो ब्लड में आ पाएगी? क्या ब्लड में भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? अब बेटा जब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगी तो ब्लड कैसा हो जाएगा भाई बताओ? ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाएगा, है ना। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लू। डीऑक्सीनेटेड कलर का ब्लड, ब्लड कैसा होता है? ब्लू। तो बेटा ये हमारे में जो है ना, ये हमारी लिप्स में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, जो कि कैसा ब्लू कलर ले जाएंगी, कैसा कलर ले जाएंगी, ये कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ब्लू कलर किसकी वजह से होगा। ब्लू कलर जो होगा वो ब्लू हो गया, ब्लड, ब्लड कैसा हो गया? ब्लू हो गया है। सर ब्लू ब्लड कैसा, मतलब हमने तो ब्लड लाल ही देखा है बेटा, ब्लू कलर का भी होता है ब्लड, ठीक है, वो कैसा ब्लड होता है? बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन सफिशियंट नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन विथाउट ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं बेटा उसे, क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, 11th में पढ़ा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ब्लू ब्लड, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है ब्लड में, ठीक है, ब्लू ब्लड क्यों हो गया? ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, क्यों नहीं है भाई ऑक्सीजन, ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि पहुंच नहीं पा रही ऑक्सीजन, जगह ही नहीं है एलुलाई में, पानी भरा पड़ा है, कहां से ऑक्सीजन आएगी उसके अंदर, आ रही बात समझ में? तो ऑक्सीजन नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा? ब्लड कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, ठीक है, ब्लड कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। क्लियर, किस किस को बात समझ में आई? क्लियर हुई कि ब्लू वाला भी बता दिया मैंने? ये बात कोई, मतलब ये बात थोड़ी, ये थोड़ी बात समझना पड़ेगी कि भैया एक्चुअल में क्या इफेक्ट हो रहा है, कि जो है अपना ब्लड दो तरीके का होता है, एक लाल एक ब्लू, अगर उसमें ब्लू ऑक्सीजन होती है तो ब्लू, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन होती है ब्लड में तो लाल हो जाता है वो ब्लड, है ना, और अगर जो है ऑक्सीजन नहीं होती तो ब्लड ब्लू होता है बेटा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी कहते हैं, ठीक है, पढ़ा होगा तुमने, है ना। तो भाई हमारा जो ब्लड है वो ब्लू रहेगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पा रही है, तो जो है यहाँ पर क्लियरली दिख जाती है वो ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो यहाँ पर क्लियरली दिख जाती है, यहाँ पर ब्लू हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ब्लू? क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो दिखने लगेगी कि भैया ब्लू ब्लड है, यहाँ पर कैसा ब्लड है? ब्लू ब्लड। क्यों ब्लू क्यों है ब्लड? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, अगर शरीर ब्लू हो जाए ना, समझ जाना उस व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी है, सब सीधी बात, अगर शरीर आपका ब्लू हो रहा है, ब्लू, पीला नहीं बोलना, क्या पीला नहीं बोलना, पीला होगा तो जॉइंटिस होगा, अगर आपका शरीर अगर ब्लू हो रहा है तो समझ जाना उसमें ऑक्सीजन की कमी है, उसको सांस दो। कभी जैसे अभी कोविड में भी जो है पेशेंट को, अगर पेशेंट ब्लू होने लगे तो समझ जाना कि इसकी सांस की प्रॉब्लम है, इसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा गिर चुका है, तभी वो ब्लू हो रहा है पूरा का पूरा, आदि समय में ये बात ध्यान रखना। तो ब्लू लिप्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन क्यों नहीं है भाई? ऑक्सीजन तो हवा में बहुत है, हवा में ऑक्सीजन तो बहुत है, लेकिन जो है अंदर ही नहीं जा पा रही, क्योंकि अंदर तो पानी भरा पड़ा है, और जब अंदर पानी भरा पड़ा है तो ऑक्सीजन कहाँ से भरोगे? पहले पानी को हटाओ, फिर उसमें ऑक्सीजन भरो। आ रही बात समझ में? क्लियर हुई बात? ये पानी भरा होगा तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो ब्लड कैसा हो जाएगा? ब्लू। और फिर आपको लिप्स भी कैसे दिखेंगे? ब्लू। आ गई बात समझ में? ब्लू की कहानी। क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिसीज? बैक्टीरियल डिसीज कौन सी है? ठीक है, टाइफाइड भाई बैक्टीरियल है, बिल्कुल सही बात है, टाइफाइड बैक्टीरियल है, ठीक है, टाइफाइड बैक्टीरियल है, ठीक है सर, आ गया। एड्स? नहीं बेटा, ये वायरल है, एड्स वायरल डिसीज है। कॉमन कोल्ड? वायरल है, ठीक है। रिंगवॉर्म? रिंगवॉर्म भी जो है वॉर्म्स की वजह से होती है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती, ठीक है, वॉर्म्स की वजह से होती है, ठीक है, तो ये भी हो गया खत्म, ठीक है। तो सॉरी, फंगस की वजह से होती है रिंगवॉर्म, अपन ये चीज गलत करते हैं, ये रिंगवॉर्म जरूर वॉर्म्स की वजह से होती है, नहीं, रिंगवॉर्म याद रखना फंगस की वजह से, मैं भी आज चकना खा गया, रिंगवॉर्म फंगस की वजह से होती है भाई, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब सुनो, देखना, अब देखो, निमोनिया बैक्टीरिया से होती है, टाइफॉइड बैक्टीरिया से होती है, अभी अपन ये पढ़ेंगे फंगस वाली, ठीक है, वाली अपन डिसीज जो होती है ना ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है, वायरल भी पढ़ेंगे, अभी से बैक्टीरियल पढ़ रहे हैं। कॉमन कोल्ड? वायरल,
टाइफाइड बैक्टीरियल। तो ऐसा कौन सा है जिसमें सभी बैक्टीरियल बैक्टीरियल है, कौन सा ऐसा जिसमें सिर्फ बैक्टीरियल बैक्टीरियल है? उसका आंसर क्या चला जाएगा भाई? निमोनिया। इसका आंसर निमोनिया और टाइफाइड दोनों के दोनों क्या है? बैक्टीरियल है, इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा? ये निमोनिया और टाइफाइड। अब सर, अब हमने तो ये सर डिसीज पढ़ी नहीं है, एड्स सुई पढ़ी नहीं है, रिंगवॉर्म पढ़ी नहीं है, हम कैसे पहचानेंगे? बेटा अभी वो पढ़ लेंगे अपन डिसीज, टेंशन मत लो। बस अभी याद रखना कि निमोनिया और टाइफाइड क्या है? बैक्टीरियल है, ये बात ध्यान में रखना। चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अभी पढ़ेंगे वो भी। बताओ भाई निमोनिया किसकी वजह से फैलता है? भाई बताओ भाई निमोनिया किसकी वजह से फैलता है? भाई वायरस, वायरस, वायरस। भैया निमोनिया तो बैक्टीरियल डिसीज है, ऐसे ही आदमी को ही बता सकता है, ठीक है? निमोनिया तो बैक्टीरियल डिसीज है ना, निमोनिया तो बैक्टीरियल डिसीज है। और तुमने क्या तीनों जगह वायरल ठोक दिया, तो एक आदमी तो ऐसे ही समझ सकता है। तो क्या होगा इसका आंसर? मोफिलियस इन्फ्लुएंजा। वेरी गुड, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे की। भाई विराल टेस्ट किस काम में आता है? भाई जल्दी बताओ जरा, विराल टेस्ट किस काम में आता है? विराल टेस्ट किस काम में आता है? टाइफाइड के टेस्ट के लिए काम में आता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू निमोनिया, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? देखो भाई लंग्स जो होते हैं इसमें फिल्ड हो जाते हैं फ्लूइड से और रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल सही है, ये तो सही है क्वेश्चन, ये तो राइट है, ये तो है ना, ये राइट है ये वाली स्टेटमेंट, है ना। ब्लूइश कलर हो जाती है ग्रे, और नेल्स का और लिप्स का ब्लू कलर हो जाता है, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। और जो है क्या बोल रहे हैं, किससे फैलता है? ड्रॉपलेट से फैलता है, और यूटेंसिल्स जो है उसको शेयर करने से फैलता है, ये भी सही है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, इट इज कॉज बाय टू प्रोटोजोअन्स। गलत भाई, ये चीज गलत है, प्रोटोजोअन से नहीं फैलती। किससे फैलती है ये बताया ना, ये बैक्टीरिया से फैलती है बेटा, बैक्टीरियल डिसीज है। तो ये चीज गलत हो गई भाई, क्या हो गई? ये चीज गलत हो गई, बैक्टीरिया से फैलती है भाई, ये चीज गलत हो गई इनकी। इससे फैलती है, बैक्टीरिया से फैलती है ये। आरीवा समय में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। क्लियर है ये बात? क्लियर दिख रहा है सभी को? चलो